हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बनाने जा रही हूँ पेठे के मिठाई की खीर। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी पेठा। ये पेठे की मिठाई है फ्रेंड। और मैं सबसे पहले गैस पे जो है आधा लीटर दूध को पतीले में रख कर के बॉईल करूँगी। जब तक हमारा दूध जो है थोड़ा सा उबल जाता है, तब तक हम जो है पेठे की मिठाई का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल रही हूँ और एक ही बार इसे चलाना है, दरदरा पेस्ट तैयार करना है। आप चाहे तो कद्दूकस की सहायता से घिस सकते हैं। और इस तरीके का हमें जो है पेस्ट तैयार कर लेना है पेठे की मिठाई का। तो अब मैं इसे डालूँगी। दूध हमारा थोड़ा सा उबल रहा है, तभी हम इसे डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे। ये थोड़ा चिपक जाता है, इसलिए मैं इसे हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से भी आप इसे डाल दीजिए। और डालने के बाद फ्रेंड हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे चला लेंगे। और ये देखिए, तो हमें इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और ऑलरेडी आप जानते हैं पेठे की मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी होती है, हमें इसे चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, दूध हमारा कितने अच्छे से उबल गया है और कम भी हो गया है, गाढ़ा हो गया है। और हमारे पेठे की जो मिठाई है की खीर है वो भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से जो है गाढ़ा हो गया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। व्रत में इसे आप खा भी सकते हैं व्रत के दौरान। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है ये। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।